नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, मैं पहले भी अपने काफी वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ कि यदि आपके मंगल कमजोर हैं तो आपका कभी घर का घर नहीं होगा, खुद का घर नहीं होगा। जमीन भी आपकी विवादास्पद स्थिति में ही रहेगी, यदि है तो, या तो होगी ही नहीं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके पीछे हट होती रहेगी और पैसे आपके पास नहीवत रूप से आएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसे में दोस्तों आप वो तमाम उपाय करें जो आपके मंगल को प्रसन्न करता हो। मैंने पिछले काफी वीडियोस में मंगल को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं, फिर से आप सबको बता दूं इस वीडियो में भी कि मंगल को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे और जो वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है वे भी आपको मिलती रहे। क्योंकि काफी बार हमारे ढेरों सब्सक्राइबर्स ये कंप्लेन करते रहते हैं कि ये वाली वीडियो मुझे नहीं मिल रही है, मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे वीडियो अवेलेबल नहीं हो रही है। तो यदि आप चैनल के अंदर जाएंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखी है वे लोग चैनल पर जाएं और वीडियो को गूगल को ऑन करें और वीडियो का सिर्फ नाम बोले, अपनी प्रॉब्लम बोले, वीडियो अपने आप आपके पास आ जाएगी। मेरे चैनल में तमाम प्रकार की वीडियोस पड़ी हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आती है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, मंगलवार के दिन जो महिलाएं हैं अपने सिर पर पानी ना डालें, बालों को गीला ना करें। जो पुरुष हैं मंगलवार के दिन कोशिश करें कि दाढ़ी बाल ना बनवाएं। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी का क्षय होता है। कोशिश करें कि कपड़े ना धोएं। जो नियम आप गुरुवार वाले दिन पालते हैं वे तमाम नियम आप मंगलवार वाले दिन भी पालें। नाखून ना काटें, नाखून काटने से भी आपके घर की श्री का क्षय होता है। मंगलवार वाले दिन दोस्तों आप पैसों का खर्च ना करें। जो भी चीज वस्तुएं आपको अपने घर में लानी है वो एक दिन पहले ला करके रख लें। मंगलवार वाले दिन कोशिश करें कि पैसे दे नहीं, पैसे ला करके घर में रखने की कोशिश करें। ये उपाय दोस्तों एक सिद्ध पुरुष ने बहुत पहले मैंने एक सिद्ध पुरुष से सुना था और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ कि मंगलवार वाले दिन आप पैसे किसी को दे नहीं और आप एक ही शब्द बोले कि लाओ लाओ, पैसे लाओ, देना नहीं है लेना है, आपको पैसे लेना है, लाओ लाओ। ये शब्द जितना ज्यादा हो सके, पैसे लाओ ये शब्द जितना ज्यादा हो सके आपको बोलते रहना है। पैसे लाओ, देना नहीं है। बहुत ध्यान से आप इस चीज को सुन लेना, पैसे लाओ ये आपको बोलना है। इसके लिए संस्कृत में एक दूसरा भी वर्ड है, लेकिन आप इसको, क्योंकि इसके पहले जब मैंने एक बार वीडियो में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था तो काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि इस शब्द का क्या मीनिंग है। तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको सिंपली आपको अपनी ही भाषा में, आप जो भी भाषा बोलते हो उस भाषा में आपको ये बोलना है कि पैसे लाओ, देना नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा आप इस शब्द को बोलते रहेंगे पैसे आपके पास आएंगे। ज्यादा नहीं तो आप 5 मंगलवार इस क्रिया को करें और तमाम नियमों का पालन करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अवश्य ही जाएं, हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। यदि पैसों की कोई भी तकलीफ है तो हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला मंगलवार के दिन दोस्तों अर्पित करना ना भूलें। जब आप माला लेकर के जाते हैं तो बिना चप्पल पहने आप मंदिर में जाएं। और घर में दोस्तों जो आपकी कुलदेवी हैं उनके आगे आप दीपक जलाएं। दीपक आप सरसों के तेल का जलाएं
और तेल में कुमकुम मिला दें। तेल को आप रेड कलर का कर दें। लाल कलर मंगल देव को प्रसन्न करता है। कुमकुम को तेल को तेल में थोड़ा सा कुमकुम डालें, उससे बराबर मिला लें, फिर आप उसका एक दीपक अपने कुल देवी के सामने मंगलवार के दिन जला दें। एक छोटी सी दोस्तों क्रिया है, ये लाल रंग का दीपक आपकी किस्मत को पलट देगा। ज्यादा नहीं, 5 मंगलवार आप इस तरीके का दीपक अपने कुल देवी के आगे मंगलवार के दिन जला करके देखें। रिजल्ट देख के दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। पैसों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम भी तुरंत दूर हो जाएगी। करके देखिए, करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।